ये कहानी मार्कस नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जो अपनी ही सौतेली माँ के साथ गपा गप करना चाहता है। अब क्या वो अपने इस मिशन को पूरा कर पाता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है व्हाट द पीपल सॉ और ये फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने बाथटब में नहा रही होती है। नहाते हुए सारा को अचानक करंट का एक जोरदार झटका लगता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम एक साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड पॉल के घर पर आई हुई थी। दरअसल एलिस पॉल की दूसरी वाइफ थी। पॉल की पहली वाइफ सारा थी जो फिल्म की शुरुआत में करंट लगने से मर गई थी। पॉल भी एक काफी अमीर बिजनेसमैन था, इसलिए अपने से 20 साल उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी एलिस ने उससे शादी कर ली थी। पॉल अपने काम के चलते हमेशा घर से बाहर ही रहता था, इसलिए उसने एलिस को अपने 12 साल के बेटे मार्कस का ख्याल रखने के लिए अपने घर पर भेजा था। इसके अलावा पॉल ने एलिस को ये भी बताया था कि अभी मार्कस का बोर्डिंग स्कूल चल रहा है जिसके चलते वो घर एक हफ्ते बाद आएगा। पर एलिस जिस दिन घर पर आती है मार्कस भी उसी दिन वहाँ पर आ जाता है। फिर एलिस जब मार्कस से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए, तो मार्कस बताता है कि पूरे स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है, इसलिए स्कूल वालों ने उसे जल्दी घर भेज दिया। एलिस मार्कस की बातों पर यकीन तो कर लेती है, पर उसे मार्कस काफी अजीब लग रहा था क्योंकि सिर्फ 12 साल की उम्र होने के बावजूद भी मार्कस एक काफी बड़े और मैच्योर आदमी की तरह बातें कर रहा था। अगले दिन एलिस को पॉल का फोन आता है और वो उसे मार्कस से बात करवाने के लिए बोलता है। फिर एलिस मार्कस को फोन देने के लिए जाती है जो बाथटब में नहा रहा होता है। फिर मार्कस पॉल से बातें करने लगता है और उसकी बातें हो जाने के बाद जब एलिस पॉल से बात कर रही होती है तभी मार्कस एलिस के पास आता है और उसके संतरों को दबाने लगता है। एलिस को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो मार्कस को कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई भी दोस्त नहीं है और वो एक बहुत ही बिगड़ा हुआ और हरामी बच्चा है। एलिस तो एक माँ की तरह मार्कस का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, पर मार्कस हमेशा ही उसको पेलने के बारे में सोचता रहता था। कुछ दिन बाद पॉल भी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है और एलिस और मार्कस उसको एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाते हैं। फिर कार से घर आते वक्त पॉल के मन में हवस जागने लगती है और वो चलती हुई कार में ही एलिस की मौत के कुएं के अंदर उंगली करने लगता है। एलिस को भी इससे काफी मजा आने लगता है जिस कारण उसका सड़क से ध्यान हट जाता है और उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। घर आने के बाद एलिस और पॉल मार्कस को बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं और खुद घर के अंदर पलंग तोड़ गपागप करते हैं। फिर रात को सभी डिनर करने के लिए एक होटल में जाते हैं। वहाँ पर पॉल एलिस से पूछता है कि क्या तुमने मेरे ड्रॉर में से पैसे निकाले थे, जिस पर एलिस उसे बोलती है कि मैंने नहीं, मार्कस ने लिए थे जब वो पहले दिन स्कूल से घर आया था। पर इस पर मार्कस पॉल को बोलता है कि मैंने तो सिर्फ $300 ही लिए थे। फिर एलिस मार्कस को बोलती है कि उस दिन तुम तो बता रहे थे कि तुमने पूरे पैसे लिए थे, पर इस पर मार्कस उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। अब पॉल भी मार्कस की बातों को मान लेता है और उसे लगने लगता है कि पैसे एलिस ने ही लिए थे। फिर घर आने पर एलिस मार्कस का रूम चेक करती है लेकिन वहाँ पर उसे कोई पैसे नहीं मिलते, पर उसे वहाँ पर एक फटा हुआ लेटर मिलता है जिसको वो अपने पास रख लेती है। अगले दिन जब मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे होते हैं तब मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती और वो उसे ये भी बताता है कि एलिस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बाहर बैठी एलिस मार्कस की सभी बातों को सुन रही होती है पर पॉल मार्कस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद मार्कस पॉल को बताता है कि कल एलिस ने मेरे रूम की तलाशी ली थी, जिस पर पॉल एलिस से इस बारे में पूछने जाता है पर एलिस उसको दूसरी बातों में फंसा देती है और उसकी बातें टाल देती है। कुछ दिनों बाद एलिस मार्कस के बारे में और पता करने के लिए उसके स्कूल जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मार्कस की स्कूल की कोई भी छुट्टियाँ नहीं चल रही बल्कि उसे तो पिछले महीने ही स्कूल से निकाल दिया गया है। फिर स्कूल के प्रिंसिपल एलिस को बताते हैं कि उन्होंने मार्कस के घर पर इससे रिलेटेड एक लेटर भी भेजा था पर मार्कस ने उस लेटर को फाड़ दिया था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये वही लेटर था जो एलिस को मार्कस के कमरे की तलाशी लेते हुए मिला था। प्रिंसिपल एलिस को ये भी बताते हैं कि मार्कस स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में झांकता है और उन्हें घपाघप करते हुए भी देखता है। इसके अलावा वो स्कूल के आसपास भटकने वाली बिल्लियों को पकड़कर उन्हें जान से मार देता है और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। अब प्रिंसिपल की सभी बातें सुनकर एलिस शॉक्ड हो जाती है और उसे लगने लगता है कि मार्कस कोई साइको है। एक रात एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है जहां उसकी मुलाकात सोफी नाम की एक औरत से होती है। फिर वो एलिस को बताती है कि सारा मेरी दोस्त थी और उसकी बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। अब एलिस को लगने लगता है कि शायद मार्कस ने ही सारा को मारा होगा और वो इस बारे में पॉल से बात करने की कोशिश भी करती है, पर पॉल एलिस की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा वही उसके साथ झगड़ने लगता है कि वो एक 12 साल के बच्चे पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है। एक रात एलिस कुछ सामान लेने के लिए अपने घर के ऊपर बनी हुई एटिक में जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि एटिक के फ्लोर पर एक बहुत बड़ा होल बना हुआ है जहाँ से उसका और पॉल का बेडरूम दिखता है। अब ये देखते ही एलिस समझ जाती है कि ये काम उस हरामी मार्कस का ही है और वो रात को उन दोनों को घपाघप करते हुए लाइव देखता है। इसके बाद एलिस सीधा मार्कस के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम हमें घपाघप करते हुए क्यों देखते हो। इस पर मार्कस उसे बताता है कि उसे ये सब देखने में बहुत मजा आता है। दोस्तों यही बच्चे आगे चलकर जॉनी सिंस बनते हैं। फिर एलिस उसे पूछती है कि वो सारा को भी ऐसे ही देखा करता था, जिस पर मार्कस उसे बताता है कि सारा को देखने में उसका खड़ा नहीं होता था पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा छोटा चेतन खड़ा होकर सलामी देने लगता है।
इसके बाद एलिस मार्कस से पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई, जिस पर वो उसे बताता है कि सारा को हार्ट अटैक आया था। इस पर एलिस उसे बोलती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है कि उसकी मौत बाथटब में करंट लगने की वजह से हुई थी। एलिस मार्कस को बोलती है कि तुम बहुत कुछ जानते हो पर तुम मुझे कुछ भी बता नहीं रहे। पर इस पर मार्कस उसे बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। एलिस उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। पर मार्कस उसे मना कर देता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें बिना कपड़ों के देखना है। तभी एलिस एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्कस उसके सभी सवालों के जवाब देने लगता है। वो उसे बताता है कि सारा को हार्ट की प्रॉब्लम थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था और उसकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। पर एलिस मार्कस की किसी भी बात पर यकीन नहीं करती और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन एलिस पॉल को एटिक वाले होल के बारे में बताती है, पर जब पॉल वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर एलिस पॉल को बताती है कि मार्कस हमें घपाघप करते हुए देखता है और हमेशा हमें यहाँ से झांकता रहता है। पर पॉल एलिस की बातों पर यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि शायद एलिस पागल हो चुकी है। अब एलिस को सच्चाई का पता लगाना था, इसलिए वो सारा की मौत पर रिसर्च करने लगती है और फाइनली उसे पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। उसने सारा के बाथटब में एक खराब हीटर लगा दिया था जिससे उसको शॉक लगा और उसकी मौत हो गई। अब एलिस सारा की मौत के बारे में और भी जानना चाहती थी, इसलिए वो मार्कस से पूछती कि तुमने सारा को क्यों मारा। मार्कस उसे बताता है कि उसे सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसके साथ साथ वो उसे ये भी बताता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करके मारने में बहुत मजा आता है। इसके बाद मार्कस एलिस को बोलता है कि अब मरने की अगली बारी तुम्हारी है। एलिस मार्कस की ये बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगती है, क्योंकि उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि मार्कस उसे कभी भी मार देगा और इसके अलावा कोई भी उसकी बातों पर यकीन भी नहीं करता था। अब इस सब के चलते एलिस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। अब इसके कुछ महीनों बाद जब एलिस की कंडीशन ठीक हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। फिर एक दिन पॉल और एलिस साथ में पार्क में घूम रहे होते हैं, तभी पॉल एलिस को बोलता है कि अब वो एक फैमिली शुरू करने के लिए तैयार है और तुम, मैं और मार्कस हमेशा साथ रहेंगे। तभी वहां पर मार्कस आ जाता है और वो एलिस को अपने साथ अकेले में ले जाकर उसे सारा की मौत के बारे में बताने लगता है। फिर मार्कस एलिस को बोलता है कि अब वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगा है। फिर एलिस भी मार्कस को बताती है कि वो भी उसे पसंद करने लगी है और इसके साथ ही वो मार्कस के साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। इसके कुछ देर बाद एलिस देखती है कि सामने सड़क पर बहुत ही तेजी से एक कार आ रही है और ये देखकर वो अचानक मार्कस के डॉग के टॉय को सड़क पर फेंक देती है। फिर जब मार्कस का डॉग उस टॉय को लेने के लिए सड़क पर जाता है तभी मार्कस भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, पर तभी वो तेजी से आती कार मार्कस को एक जोरदार टक्कर मारती है जिससे मार्कस की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब एलिस मार्कस को मारा हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसे किसी का कोई डर नहीं था। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।